आज जो सवाल मैं लेकर के आया हूँ वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक क्यूबिक इक्वेशन, लेकिन साथ में आपको ये देखना है कंडीशन। भाई हमसे कह रहा है कि भैया सॉल्व करो क्यूबिक इक्वेशन 3x³ - 11x² + 8x + 4 = 0, गिवन दैट टू ऑफ इट्स रूट्स आर इक्वल। दो रूट्स इक्वल है सर, बस कोई दिक्कत नहीं है। कभी तुमने अपने आप से यह पूछा है कि भाई इसमें तीन रूट्स हैं तो ये इसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को तीन जगह काटेगा, दो इक्वल रूट है तो फिर तो दो ही जगह काटेगा, ये असल में दिख कैसे रहा है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको एनालाइज करेंगे और सोल्यूशन तो मैं पूरा का पूरा इसका बताऊंगा ही, इसको एंड तक आपको देखना है क्योंकि इस सवाल का पूरा पोस्टमार्टम होगा। सोल्यूशन के बाद आपको कई सारी ऐसी जानकारियां मैं बताऊंगा जो आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रांग बनाएगी। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, कहीं नहीं जाना है, और अपने दोस्तों के साथ अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर भी करना है। ओके, हियर वी गो। तो चलो सर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम इसी को फिर से लिख दो आप। बहुत बढ़िया, लिख दिया। हाँ जी सर, हो गया ये। दूसरा काम क्या करेंगे? इसका डिग्री तीन है तो हम मान लेते हैं सर अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स होंगे। साथ में हमें यह भी पता है कि इसके दो रूट्स इक्वल हैं तो बीटा और गामा को सेम मान लेते हैं सर। तो अल्फा बीटा गामा की जगह हम लिख लेते हैं अल्फा बीटा बीटा, कोई दिक्कत नहीं। अगला काम क्या है? अब सर एक काम करते हैं, हम प्रॉपर्टीज लगाते हैं, सम वाली प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी। तो जब आप क्यूबिक इक्वेशन के साथ डील कर रहे हो बच्चों, आप ध्यान रखें ये है तीन प्रॉपर्टीज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो आप बिंदास। ओके, याद रखना माइनस ऑफ a1 बाय a0, फिर प्लस ऑफ a2 बाय a0, फिर माइनस ऑफ a3 बाय a0। ये इस प्रकार से होता है, ये सम ऑफ द रूट्स है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, टेकिंग टू एट अ टाइम, दो का कॉम्बो, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसी को हम लागू करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, गामा मतलब वो भी बीटा ही हो गया, तो माइनस ऑफ माइनस 11/3, समझ में आया? तो कितना हो जाएगा? प्लस 11/3, और ये अल्फा प्लस 2 बीटा हो गया, पहला इक्वेशन आ गया आपका। दूसरा में आप चाहो तो ना यहाँ पर जैसे ये माइनस से स्टार्ट होता है, फिर ये प्लस हो जाता है, फिर ये माइनस, अब क्या होगा जो दूसरा इक्वेशन अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा, तो यहाँ पे बीटा बीटा होगा। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा लिख देते हैं, बराबर प्लस ऑफ प्लस 8/3 हो जाएगा। से सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 अल्फा बीटा हो जाएगा और ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, दूसरा इक्वेशन आ गया हमारे पास। तीसरा इक्वेशन, अच्छा ये लिखने का स्टाइल सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और तीसरा जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। ये 2 लिखा मैंने, मतलब दो दो का कॉम्बो, जोड़ी बनाना है, अल्फा बीटा बीटा बीटा, समझ गए? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे आए सर, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट में क्या लोगे? माइनस ऑफ प्लस 4 लोगे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, कर दो। अल्फा बीटा गामा की जगह अल्फा बीटा बीटा लेना है। सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारा बन गया तीसरा इक्वेशन, हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। देखिए आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पास अननोन कितने हैं सर? अल्फा बीटा, नहीं समझ में आया? इसको जरा इरेज करते हैं हम। अब आते हैं मुद्दे पे। अब देखिए सबसे पहले इक्वेशन को आप पकड़िए, ये इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं अल्फा का वैल्यू लिख सकता हूँ 11/3 - 2 बीटा, तो जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये जो वैल्यू है अल्फा की, मैं इसको सीधा इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा। जैसे ही मैं पुट करूंगा कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी, ये देखिए पुट कर दिया मैंने, इतना समझ गए? हाँ सर, ये भी आसान था, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे सर? अब देखिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एलसीएम ले लो, तो 11 - 6 बीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। दोनों साइड मुझे ऐसा लग रहा है यार यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो इस 3 का तो रोल खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, करेंगे उसको। दूसरी बात, 11 2 = 22 और इंटू बीटा 22 बीटा, और इधर 6 2 = 12, 12 × β² = 12 β². थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है बच्चों आपको, ये सिंप्लीफिकेशन मैंने कर दिया। -12 β² + 3 β² - 9 β², उसको प्लस में बनाओ। ठीक है, इधर उधर लेके जाओ तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए बीटा में आपकी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 9 8 कितना होता है? 9 8 = 72, तो 72 चाहिए आपको, और ऐसे दो संख्या को आपको चुनना है जिनका जोड़ है, जो सम है वो 22 आए और जिनका मल्टीप्लीकेशन 72 आए। तो मुझे ख्याल आ रहा है 18 × 4, ठीक है, 18 + 4 = 22 एंड 18 × 4 = 72, 18 × 36 = 18, 72 ठीक है जी, तो लगा दो -18 - 22,
थोड़ा सा और जैसे ही हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 कॉमन लेते हैं, बीटा कॉमन लेते हैं तो बीटा माइनस 2 हो जाएगा, पर यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे हम, राइट। अब देखिए फिर से यहाँ पे लिखते हैं बीटा माइनस 2, बीटा माइनस 2 कॉमन ले लो तो 9 बीटा माइनस 4 बच जाएगा, खेल खत्म है। यहाँ से हमें पता लगता है कि बीटा की दो वैल्यूज आ रही, एक है 2, दूसरा है 4/9, ठीक। लेकिन अब चेक करना है सर, 4/9 की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करो इसमें, क्योंकि आप कौन सा आंसर एक्सेप्ट करोगे, 4/9 की 2 आपको डिसाइड करना है ना, तो यहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना है। आप 4/9 को पुट करके देखो, अब जैसे ही आपने पुट किया आपको पता चलेगा भाई एफ ऑफ एक्स जो है 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो वो रूट कैसे हुआ, नहीं होगा। दूसरी बात, जैसे ही मैं 2 पुट करता हूं तो सर ये 0 हो जाता है, करके देख लेना तुम, मैंने करके देख लिया है, ठीक है। अच्छा तो ये 0 पुट हो गया, 2 पुट हो गया तो 0 आ गया वैल्यू, तो हम 2 को एक्सेप्ट करेंगे। और 2 अगर हमारे पास वैल्यू आ चुका है तो आपको पता है अल्फा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 11/3 माइनस 2 इंटू बीटा, तो यहां पर बीटा की जगह आप क्या रख देना, 2 रख देना। समझ में आया इतना, तो बस 2 रख दो, खेल खत्म हो जाएगा। ये कर देते हैं इसको, कितना आया -1/3, तो सीधी सी बात है बच्चों, अल्फा बीटा बीटा, अल्फा की वैल्यू -1/3, बीटा की वैल्यू 2, तो -1/3, 2, 2। अब जैसा मैं आपसे कह रहा था कि भैया सवाल का करना है पोस्टमार्टम, ठीक है, अब बड़े अच्छे से आपको समझाएंगे इक्वल रूट्स असल में दिखाई कैसे देते हैं और क्यों उनको इक्वल कहा जाता है, इसे हम समझना चाहते हैं। हर चीज़ को आप संख्या के जरिए नहीं समझ सकते, कोई कभी कभार आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो गणित है, ये इक्वेशन की जो गणित है, फंक्शंस जो है, कहीं ना कहीं इनका संबंध, कहीं ना क्या पूरे तरीके से इनका संबंध ग्राफ से। तो ग्राफ जरा आपको मैं दिखाता हूँ, बड़ा ही शानदार केस है, जरा इसको देखिए। आप सबसे पहले तो इस इक्वेशन को देखिए, क्या है 3x³ - 11x², देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है +8 और कुछ भी पुट कर सकता। अभी फिलहाल d का वैल्यू मैंने सेट कर दिया, कितने पे, 0 पे सेट किया है। अब आप देखिए जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूं, और अच्छा जरा जूम करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन है सर, 3 जगह कट कर रहा है, 0 पे, 1 पे और 2 और 3 के बीच में कहीं, तो 3 रूट्स मिल रहे हैं सर, साफ साफ दिखाई दे रहा है। डी का वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूं, देखो क्या हो रहा है सर, ग्राफ का प्रोफाइल तो वैसे ही, बस ये ऊपर चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है। अभी भी कितना जगह कट रहा है, 1, 2, 3, डी का वैल्यू कितना, 1.7। अब देखो मैं 2.5 कर दिया मैंने, अभी भी सर ये 3 जगह कट रहा है, ये देखिए यहाँ पे कट रहा है, एक यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, एग्जैक्ट वैल्यूज भी आपको पता चल रहे हैं। जैसे ही मैं डी का वैल्यू, अब देखो मैं पहुँचा दिया मैं 3 पर, तो देखिए यहाँ पर भी आपको 3 लोकेशंस मिल गए, इन तीनों लोकेशंस पे वो कट हो रहा है, मतलब अभी भी कितने रूट्स हैं, 3 रूट्स हैं। एक समय ऐसा आएगा डी की वैल्यू को मैं इतना बढ़ा दूंगा कि ये बिल्कुल छू के निकलेगा, कैसे, एक्स एक्सिस को टच करके निकलेगा, बिल्कुल उस पल मैं बोलूंगा कि वहां पर उसके कितने रूट्स हैं, 3 रूट्स होंगे। तो ये देखिए ये ऊपर बस छूने वाला है, बस 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 ये छू दिया उसने। अब आप क्या बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पे देखिए एक रूट कितना आया सर, ये 2.0 आया, ठीक है। तो यहीं पर क्या होता है, आपका इक्वल रूट होता है, ये बिल्कुल टच करके जा रहा है, जब भी ग्राफ बिल्कुल टच करके जाए, साइन चेंज नहीं कर रहा है वो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अभी भी पॉजिटिव ही है, बस टच करके गया है, तो वहां पर हम बोलेंगे कि एक ऐसा इक्वल रूट है। और यहां पर आंसर कितना है, -0.333, तो ये -1/3 जो है ना भाई, यही है -0.33। उम्मीद करता हूं अब आप इस सवाल को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, मैंने लगभग 8-9 मिनट इसको दे दिए, ठीक है। ये था पोस्टमार्टम, थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल ना भूलें, और जो चैनल को सब्सक्राइब करें वो बेल नोटिफिकेशन जो है ना, बेल आइकन को जरूर दबा करके सेट टू ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। थैंक यू वेरी मच।